कक्षा छः की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा छः में हम कर रहे थे प्रश्नावली 3.7। आज हम इसका प्रश्न नंबर 9 कर रहे हैं कि चार अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करो तो 18, 24 और 32 से विभाज्य है, यानी चार अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 18, 24 और 32 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 18, 24 और 32 का लस ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, लस ज्ञात करेंगे। यानी 18, 24 और 32 का लस। तो सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का। किसका देंगे, 2 का। 2 का भाग हम देंगे 18 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 नमे 18। फिर 24 में देखिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 12 बार। फिर 32 में हम देते हैं 2 का भाग, तो 2 एकम 2, एक बच गया, 2 उतर गए, 2 छंग 12, कितनी बार, 16 बार। फिर 2 का देखिए, 9 जो है वो 3 का गुणज होता है, तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 9 को वापस नीचे उसके स्थान पे उतार देंगे। फिर 12, 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 छंग 12। फिर 16, 2 का भाग 16 में देंगे तो 2 8 16। फिर 2 का 9 अपने स्थान पे, 2 3 6 और 2 चौके 8। फिर 2 का 9 3 और 2 दूनी 4। फिर 2 का 9 3 और 2 एकम 2। अब 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 बार, और 3 एकम 3 और ये 1। फिर 3 का 3 एकम 3 और 1 और 1। तो 18, 24 और 32 का लस कितना है, देखो ये 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5, और 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन सब की हम क्या करेंगे, गुणा। 2 को 2 से किया, 2 दूनी 4, 4 को 2 से, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, कितना आया, 32। 32 को फिर 3 से करना है, 3 दूनी 6 और 3 तीये 9। फिर 3 से 3 छंग 18, एक बच गया, 3 नवे 27 और 27 एक 28। इसका लस निकला 288, कितना निकला, 288। लेकिन सवाल ने क्या पूछा था हमसे, चार अंकों वाली छोटी संख्या, लेकिन इसमें तो 3 अंक ही है, तो हम क्या करेंगे, 288 के गुणज ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, गुणज ज्ञात करेंगे, क्योंकि 18, 24 और 32 से 288 पूर्णतः विभाजित है। जब 288 विभाजित होगा तो इसके जो गुणज होंगे वो भी इन तीनों अंकों से पूरी तरह विभाजित होंगे। और गुणज कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी संख्या को क्रमागत संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त उनका गुणनफल गुणज कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके गुणज ज्ञात करते हैं। तो 288 को पहले हम करेंगे 1 से गुणा, तो कितना आएगा, 288। फिर 288 को करेंगे 2 से गुणा, 2 8 16
दो अठे 16 और एक 17, दो दूनी 4 और एक 5। फिर 3 से, 3 अठे 24, फिर 3 अठे 24 और 2 26, दो बच गए, 3 दूनी 6 और 2 8। फिर 4 से, 4 अठे 32, 3 बच गए, फिर 4 अठे 32, 32 और 3 35, 3 बच गए, 2 चौके 8, 8 4 11। अब देखिए 288 को हमने 4 बार गुणा की, लेकिन पहले 3 अंकों, पहले 3 संख्याओं में तो सबके अंदर 3-3 अंक हैं, लेकिन चौथे अंक के अंदर कितने अंक हैं? 4। कितने हैं? 4। तो इसने क्या पूछा था? 4 अंकों की छोटी संख्या, तो हम लिख देंगे अतः 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या 288 × 4 कितना आया? 1152, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। इसको पढ़िए, समझिए और समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।